हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा पांच क्रोम ब्राउजर के एक्सटेंशन। और वो एक्सटेंशन ऐसे हैं जो मैं गारंटी देता हूं, प्रॉमिस करता हूं आपको कि आपकी ये प्रोडक्टिविटी को 200% इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये मतलब बहुत अच्छे हैं और चलिए देखते हैं कि ये आपके लिए कैसे काम करेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है आपके लिए स्क्रीनशॉट, और स्क्रीन कास्ट भी है बट स्क्रीन कास्ट इसका चलता नहीं है। ठीक है, तो देख रहे होंगे ये बहुत अच्छा है, मैं इसको पूरा आपको डिफाइन करूंगा कि ये काम कैसे करता है ये एक्सटेंशन। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, दूसरे नंबर पे है चेक माय लिंक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी SEO है या फिर कोई और काम करते हैं। वर्ड काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा कितनी बेहतरीन तरीके से काम करता है। ओपन मल्टीपल URL, हम लोगों को पता है SEO में अगर हैं आप तो कितने URL खोलने की जरूरत है। ये रिपीट हो गया तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। यूजर एजेंट स्विचर फॉर गूगल क्रोम इज द वेरी, ये आपको नहीं पता होगा तो देखिएगा। तो ये हम पांच एक्सटेंशन में आपको बताने जा रहा हूं, तो लेट्स स्टार्ट स्क्रीनशॉट से। तो इसको हम सबसे पहले एक्सटेंशन को हम डाउनलोड करते हैं, यानी अपने ब्राउजर पे ऐड करते हैं। तो देखिए ये नीचे डाउनलोड हो रहा है, हम इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी दिख जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये मतलब 5 MB तक का है ये, लेकिन है बहुत अच्छा। ठीक है, तो 3.84 MB हो गया ये, तो टाइम नहीं लगेगा। ये लीजिए फिनिश, फिनिश होते ही एक नेक्स्ट ऐप खुल जाता है। नेक्स्ट ऐप इसलिए खुलता है ताकि इसमें ये टूल, ये एक्सटेंशन कैसे काम करता है इसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस ब्यौरे की जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की जरूरत, क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये एक्सटेंशन आपके लिए कितना हेल्पफुल है और कैसे काम करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपकी SEO की प्रोडक्टिविटी को मतलब बहुत ही इंक्रीज करने वाला है, और आप इसको यूज करेंगे तो आपको भी लगेगा यार पहले तो मैं पहले क्यों नहीं मिला। तो ये देखिए साइड में एक ये ऐसा बन के आता है, निबस स्क्रीन शॉट एंड स्क्रीन कास्ट, ऐसे ही इसका लोगो बन के आता है कोने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। सपोज करो ये गूगल है, अब कुछ और ना जाते हुए हम गूगल का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है कैप्चर ऑप्शन इसके हैं, तो विजिबल पोर्ट, देखिए विजिबल पोर्ट ऑफ द पेज कैप्चर, ठीक है, सेलेक्टेड एरिया, सेलेक्टेड ऑफ स्केल, एंटायर पेज, ब्राउजर विंडो, ब्लैंक स्क्रीन, रिकॉर्ड वीडियो और समथिंग कुछ था। तो ये है, अब जैसे ही हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो वेलकम नोट आपको देता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं 75% 100% पे। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया फीचर है, आप अपने हिसाब से यहाँ से साइज भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने मुताबिक जो भी आपको वेट हाइट देनी है वो दे सकते हैं, जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप आप अगर आपको लगता है जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है वहां से कोई चीज आपको नहीं भेजनी या कुछ काटना है तो इजिली आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो, सेलेक्ट एंड एंटर। ठीक है, चौथा है आप ड्राइंग कर सकते हो, आपने जो भी कुछ ड्राइंग करना है आपको, तो समथिंग लाइक दिस, आई एम जस्ट शोइंग यू कि कैसे होता है ये, तो आप करना अच्छे से। आप अगर आपको लगता है ये सही नहीं हुआ तो आप यहां से एक्शन में जाके इसको अंडू कर दें। ठीक है, यहां से ड्राइंग और भी है, येलो कलर का है, आप यहां से कुछ लिख सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आई एम जस्ट शोइंग यू कि कैसे काम करता है ये। यहां से कुछ डब्बे टाइप, सर्कल टाइप आप ले सकते हैं जो आपको लेना है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये एक नहीं जितने मर्जी आप ले सकते हैं ऐसे करके, जो भी आपको मान लो कुछ आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर किसी क्लाइंट को कुछ समझा रहे हो तो आप ऐसे सर्कल में बना के दे सकते हो। यहाँ से एरो ले सकते हो, जैसे मान लो यहाँ से एरो यहाँ गूगल के निशान पे दे दिया। ठीक है, वहां पे अगर आपको कुछ लिखना है कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी कैसे, ऐसे वाले एरो भी हैं इसमें। ठीक है, अगर ऐसे वाले एरो चाहिए तो ये भी एरो हैं इसमें, ऐसे बना भी सकते हैं आप। तो ये देखिए अगर आप नॉर्मल यूज करते होंगे तो होता क्या है कि आपको स्क्रीनशॉट लेते हो पहले कंप्यूटर से, फिर इसे विनवर्ड या पेंट में जाके उसको लाइक पेस्ट करते हो, देन वहां से एडिट करते हो, तो आपको टाइम लगता है। यहाँ पे सिंपल स्क्रीनशॉट ले, ऑटोमेटिक ये सजेस्ट करेगा, और एक नहीं बहुत सारे ऑप्शन ये सजेस्ट करता है जो इंसान को चाहिए ही चाहिए। कुछ टेक्स्ट लिखना है वो इजी है, हेलो दिस साइड रंजीत, ऐसा कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो
ये देखिए, मतलब आप टेस्ट कुछ भी टाइप कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर, आपका क्या उस टाइम रिक्वायरमेंट है, आप क्या बना रहे हैं, क्या किसी क्लाइंट को भेज रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ से ये ले सकते हैं, यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चेंज करना है, कुछ कुछ कलर लगाना है, यहाँ से एरो के निशान ले सकते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ से एरो लेना है तो यहाँ पे एरो, सपोज करो अब हम इसको गूगल पे लेके जाते हैं, अगर मान लो कुछ आप लिखना चाहते हो तो एरो के साथ आपको क्या मिल जाता है, ये भी मिल जाता है। सपोज करो यहाँ लिख देते हैं हम समथिंग, यहाँ पे हटा के चलिए यहाँ पे कुछ लिख देते हैं गूगल लोगो, दिस इज गूगल लोगो, ठीक है, गूगल का जे आगे कैसे है इसको हटा देते हैं, ओनली गूगल लोगो रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए दिस इज गूगल लोगो तो हो गया, अब अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट, सिर्फ इसको सेलेक्ट करके आपको डिलीट पे क्लिक कर देना, वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। अब इसको छोटा बड़ा जैसे भी करना है आप इसको इजिली कर सकते हो, ये भी डिलीट करना है कर सकते हो, ये भी डिलीट करना है कर सकते हो, ये भी डिलीट कर दो, ये भी डिलीट कर दो, जो नहीं चाहिए आपको सिंपली, ऐसा नहीं है कि जो आपने लिख दिया वो पत्थर की लकीर होगी अभी इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली आप डिलीट कर सकते हैं, ऐसे कमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि मैं सेम यही है बट आपको थोड़ा सा ये अलग व्यू में दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बाकी आप फॉन्ट साइज कलर ये सब सब चीजें लाइक चेंज कर सकते हो ना। अब देखिए यहाँ पे आएंगे एरियल में, तो आपको साइज फॉन्ट का क्या देना है, आप फॉर्मली फैमिली फॉन्ट कौन सा यूज करना चाहते हैं वही आप जो मर्जी देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, कलर चूज हर जगह ऑप्शन है, आप ब्लर कर सकते हैं, सपोज आपको कुछ ब्लर करना है तो आप ऐसे ब्लर कर सकते हैं, सब कुछ ब्लर कर दो, ओनली गूगल को चाहते हो तो वो कर सकते हो आप, और सीधा अगर आपको एक्शन ऑल में जाके सारा ही हटा सकते हो, अंडो ऑल कर सकते हो, अंडो ऑल, ठीक है, अंडू कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो, कोई ब्लर सारा कर दो और कोई एक चीज रखना है वो पॉसिबल है लाइक दिस। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको रखना है आप इजीली, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को पहले, मैं एक और टूल यूज करता था, अभी दिखाऊंगा आपको कि मैं पहले स्क्रीन शॉट के लिए क्या यूज करता था, बट अभी मेरे को ये मिला, अभी तो नहीं मिला, हो गया कुछ दिन टाइम हो गया, तो मैंने कहा कि आपके बीच में भी शेयर किया जाए, जब मैं सब कुछ बता ही रहा हूँ तो क्यों ना आप एक्सटेंशन भी बताया जाए आपको, तो 5 एक्सटेंशन बताऊंगा मैं, और मेरा वादा है ये आपको कि आपकी एसईओ की प्रोडक्टिविटी 200% इंक्रीज होगी, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए काम करना, जैसे आप देख रहे होंगे कि कैसे होता है, कैसे आप इजिली लाइक विद इन ए सेकेंड, आप कोई, आपने किसी क्लाइंट ने ट्यूटोरियल मांग दिया कि जो आप ये करते हो मुझे भी दिखाओ, तो आपको ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट लो क्लाइंट को भेज दो कि आप वर्डपैड में डालोगे। अब देखिए एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये रहा कि थोड़ा सा कैप्चर करना, अब कुछ टाइप करते हैं हम, जैसे मान लो गूगल टाइप किया, अब गूगल पे मैंने बाय डिफॉल्ट जो सेव किया हुआ है वो 100 पेज का करा हुआ है, 10 पेज का नहीं करा हुआ, ठीक है, 10 100 रिजल्ट दिखा रहा है एक पेज पे, देख रहे होंगे आप नीचे तक जाएंगे तो इस पूरे पेज का हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एंटायर पेज, ठीक है, एंटायर पेज पे मैंने क्लिक किया तो देख रहे हैं नीचे से ऊपर जा रहा है, ध्यान देंगे तो नीचे से ऊपर जा रहा है, देखिए ये नंबर भी आ रहे हैं कि क्या नंबर है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे जा रहा है ये, चलिए तो ये आ गया, अब फाइनली है ये जो है स्क्रीनशॉट हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये ओपन हो जाएगा, ये देखिए लाइक दिस, ये नेक्स्ट स्टेप है, ये पुराने वाला था तो मैंने आपको शायद सेव करके नहीं बताया था, तो ये लीजिए आप ऐसे स्क्रीनशॉट को सेव कर सकते हैं, सेव एज इमेज, सेंड टू गूगल, मतलब ईमेल भी जहां भी आप भेज सकते हैं भेजो, सेव करना है इसको डेस्कटॉप पे, मैंने लाइक दिस सेव कर दिया, और देखिए सेव करने के बाद ये दिखता कैसे है, नॉर्मल एक इमेज फाइल आपको बन जाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा टूल है, और अभी तो एक ही बता रहा हूँ, ऐसे 5 बताने वाला हूँ, तो एक्साइटमेंट रखिएगा, और बिगनर्स हैं तो सीखने की बड़ी इच्छा होती है कि ये भी सीख लें ये भी सीख लें, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए नए नए ट्यूटोरियल्स डेली, क्या डेली 1 2 3 आजकल पोस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज रिक्वायरमेंट ऐसी आ रही है, तो जैसा कि ये सारे मैंने ऊपर के जो डैशबोर्ड था वो मैंने अभी मैंने आपको बता दिया, तो इतना डिटेल में इस बार नहीं बताऊंगा, सिंपल मान लो आप किसी की गूगल पे रैंकिंग निकाल रहे हो और 100 पेजेस में से उसको सेलेक्ट करके देना है
कि ये जो तेरी साइट है दो या तीन ये इतने नंबर पे रैंक कर रही है, तो इजिली आप स्क्रीनशॉट लेके ऐसे करके क्लाइंट को इजिली भेज सकते हो। और आप देख रहे होंगे इसका यूजर इंटरफेस ऐसे लग रहा है जैसे क्वालिटी इसकी जो है वो बहुत अच्छी है, जो भी हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसकी क्वालिटी ऐसे लग रहा है कि हम गूगल पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। अगर आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा आपको मेरे ब्लॉग वाले पे, जो मेरा ब्लॉगर पेज है, इन जितने भी पांच लिंक्स हैं ये, मतलब आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आपको स्पेसिफिक लिंक चाहिए तो आप मेरे ब्लॉगर पे जाके इनको इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है, बट इस बार एंटायर पेज का दिखाया मैंने कि कैसे एंटायर पेज में करते हैं, कैसे कलर कोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे ये चेंज कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं। सेव करते हैं हम इसको, देखिए सेव करने के लिए सेव एज इमेज करिएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, कुछ सजेशन भेजना है तो आप सजेशन भी इनको भेज सकते हैं नीचे जो कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए डेस्कटॉप पे ये सेव हो रही है फाइल, तो मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ ये कैसे फाइल सेव होती है। देखिए ये है, इसको हम ओपन करते हैं, ऐसे ओपन होती है, इसको जूम करो, देखो ऐसे होती है ओपन। ठीक है, आप ऊपर से नीचे आ गए, हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, हम और ऊपर और ऊपर ऊपर ऊपर, ये देखिए ये था, सिंपल है। ठीक है, तो अगर आपको किसी स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ लेना है, तो आप इजीली क्लाइंट को मतलब भेज सकते हैं। और भी उसमें पांच छह फीचर थे, मेरे ख्याल से यही इतनी वीडियो लंबी हो जाएगी 15 मिनट की, कि मैं आप ज्यादा लंबी हो जाएगी, आधे घंटे तक की वीडियो जल्दी कोई देखता नहीं है, तो मेक श्योर मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो कम से कम टाइम में बन जाए। लेकिन मैंने जैसा कि वादा किया था आपसे कि जो मैं पहले टूल यूज करता था वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए ये है इजी स्क्रीनशॉट, ये बेसिकली मोजिला ब्राउजर पे मैं इसे यूज करता हूँ, तो यहाँ पे भी सेम वही है कि पूरा पेज को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एक एरिया जो है उसे कैप्चर कर सकते हैं और एंटायर पेज को कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शन दे रहा था, वो बहुत सारे ऑप्शन दे रहा था, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको एडिट का ऑप्शन नहीं देता है। ये एडिट का ऑप्शन वही है, ओपन में पेंट में करना पड़ेगा, बट ये भी बहुत अच्छा टूल है। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मैं दोनों टूल को ही अगर नंबर देना चाहो तो मैं फर्स्ट पे इसको, सेकंड पे इसको रख सकता हूं, बट इसको, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है टूल एजी स्क्रीनशॉट। ठीक है, पेंट में जाके बस यही है कि इसमें कुछ एडिट करना हो तो आपको पेंट में जाके एडिट करना पड़ेगा लाइक दिस। अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ कमेंट करना है, कुछ डिलीट करना है, क्रॉप करना है, तो आपको पेंट में जाके करना पड़ेगा, बट ठीक है क्या हो गया। बट यस, अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है तो हम ये तीन चीजें क्यों करें, पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर ये करें, फिर वो करें, क्यों ना हम वही कर लें जो इजी है। ठीक है, तो इसमें ये है, देख रहे होंगे इजी स्क्रीनशॉट है, एंटायर पूरे पेज को हम कर सकते हैं, जो एरिया आ रहा है उसको कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई पोजीशन मान लो इस पेज में से मुझे थोड़े से कुछ को करना है तो वो भी मैं इजिली कर सकता हूँ, कुछ नहीं करना, सिर्फ वहां से कर्सर ले जाके ऑटोमेटिक ये सेव कर देता है ऐसे, तो ये भी बहुत इजी है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो और मैं जो चार मेरा पांच बताने का वादा था, तो मे बी इस ट्यूटोरियल में तो पूरा हो पाएगा नहीं, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखिएगा। बाकी मैं ये आपको बता देता हूँ कि आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा इजी स्क्रीनशॉट, और देख रहे होंगे पहले नंबर पे ही ये साइट ओपन होके आ रही है, इजी स्क्रीनशॉट एडऑन्स फॉर फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। तो आप अगर ये टूल तो मैंने बता दिया क्रोम के लिए था, वो जो पहला बताया था, दूसरा मैंने मोजिला के लिए बता दिया, ताकि आप इससे भी इजी स्क्रीनशॉट भी बहुत अच्छा है। तो दो टूल बता दिए हैं, बाकी सॉरी पांच टूल मैं नहीं इस वीडियो में बता सकता क्योंकि ऑलमोस्ट 15 मिनट की वीडियो हो गई। तो मैं चाहूंगा कि चार टूल और जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप कर दूंगा, और चारों ही मैं कोशिश करूंगा उसी वीडियो में बता दूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।